प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एचडीएस विद्यापीठ से आज हम पढ़ेंगे कक्षा चार क्लास में सामाजिक विज्ञान अध्याय 16 उत्तरी क्षेत्र का जन्म। उत्तरी क्षेत्र का जन्म, जैसे पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा पर्वतीय क्षेत्र का जनजीवन, पश्चिमी क्षेत्र का जनजीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी क्षेत्र का जनजीवन। उत्तरी क्षेत्र में लोगों का जनजीवन कैसा है उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। उत्तरी क्षेत्र में लोग कैसे रहते हैं, कौन कौन से राज्य कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे देखते हैं उत्तरी क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आते हैं, ये सब उत्तरी क्षेत्र में आते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। उत्तर का विशाल मैदान जो है वो बहुत उपजाऊ है। उत्तर का जो विशाल मैदान है वो बहुत उपजाऊ है। भारत में अत्यधिक खेती इसी क्षेत्र में की जाती है। भारत में सबसे ज्यादा खेती उत्तरी क्षेत्र में ही की जाती है। यह क्षेत्र समतल होने के कारण उद्योग धंधे का प्रमुख केंद्र है। यहाँ का जो क्षेत्र है वो समतल का मतलब होता है समांतर, बराबर। यहाँ का जो क्षेत्र है वो समतल है। समतल होने के कारण उद्योग धंधों का प्रमुख केंद्र है। उत्तरी क्षेत्रों में सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है। उत्तरी क्षेत्र में नहरें ज्यादा है और उत्तरी क्षेत्र में सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है। यह विशाल मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में असम तक फैला हुआ है। यह जो विशाल बड़ा मैदान है यह पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में असम तक फैला हुआ है। यहाँ मुख्यतः गन्ना, चना, कपास, चावल, गेहूं, धान, दालें आदि की खेती की जाती है। उत्तरी क्षेत्र में गन्ना, चना, मक्का, गेहूं, धान, दालों की खेती की जाती है। समतल भारत होने के कारण यहाँ सड़कों और रेलों का जाल बिछा दिया गया है। समतल धरातल मतलब समान बराबर धरातल भूमि को समान और बराबर होने के कारण सड़कें और रेलों का जाल बिछा दिया गया है। इसमें यातायात तथा उद्योग में बहुत सुविधा प्राप्त होती है। यातायात कहीं आने जाने के लिए और उद्योग में भी बहुत सुविधा प्राप्त होती है उत्तरी क्षेत्र में। इस क्षेत्र में भारत के युग पुरुष जैसे भगवान राम, कृष्ण, महावीर तथा गौतम आदि का जन्म हुआ था। जो ये हमारे भारत के युग पुरुष हैं, भगवान के रूप में आज माने जाते हैं, भगवान के रूप में आज पूजे जाते हैं, उन लोगों का जन्म जो उत्तरी क्षेत्र में ही हुआ था तथा इस क्षेत्र में इलाहाबाद, उत्तरी क्षेत्र में ही इलाहाबाद, काशी, मथुरा, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ स्थल हैं। उत्तरी क्षेत्र में आदि तीर्थ स्थल है जैसे काशी, मथुरा, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ स्थल है। भारत की जो जैसे हम लोग इस तीर्थ स्थल में दर्शनों के लिए जाते हैं, बहुत दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। जैसे बहुत सारे लोग काशी, मथुरा, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र देखने के लिए जाते हैं। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी दिल्ली है। ये भी इसी क्षेत्र में आता है। जो भारत की राजधानी दिल्ली है वो भी उत्तरी क्षेत्र में आता है। अब देखते हैं पंजाब के लोगों का जनजीवन। ये लोग पंजाब के लोग भी उत्तरी क्षेत्र में आते हैं, इनका जनजीवन कैसा है? पंजाब एक बड़ा ही परिश्रमी तथा औद्योगिक राज्य है। पंजाब जो है बहुत मेहनती और ये औद्योगिक राज्य है। यहाँ के निवासी उत्तम साधनों से अपनी आवश्यक भूमि पर अधिक अधिक अन्न उत्पन्न करते हैं।
पंजाब के लोग जो हैं वो बहुत परिश्रमी लोग हैं, वो लोग अपने मेहनत से अपने साधनों द्वारा अधिक अन्न उत्पन्न करते हैं, जिससे कि वो अपने राज्य का खर्च चलाते भी हैं और दूसरे राज्य में भी दूसरे राज्यों के लोगों को भी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। जो पंजाब के लोग हैं उन लोगों के भूमि में वो लोग अपने उपजाऊ भूमि में इतना अन्न उत्पन्न करते हैं कि अपनी आवश्यकता तो पूरी करते ही हैं, दूसरे राज्यों के लोगों की भी आवश्यकता पूरा करते हैं, दूसरे देशों के लोगों की भी आवश्यकता पूरी करते हैं। गेहूँ तथा चावल यहाँ का प्रमुख फसल है। पंजाब का जो फसल है गेहूँ तथा चावल प्रमुख फसल है। इनके अतिरिक्त यहाँ और भी फसलें उगाई जाती हैं। इनके अतिरिक्त चावल गेहूँ के अतिरिक्त और भी फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार, चना तथा दालें। गेहूँ धान के अलावा और भी फसल उगाई जाती हैं, जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार, चना, जौ तथा दालें। प्रमुख नकदी फसल जो है तिलहन, गन्ना, कपास तथा आलू है। प्रमुख नकदी फसल जो माना जाता है पंजाब का वो तिलहन, गन्ना, कपास तथा आलू है। ये जो है नकदी फसल के रूप में यह माना जाता है। अमृतसर तथा आनंदपुरम साहिबा सिखों के तीर्थ स्थल है। जो सिख लोग होते हैं, हम लोगों में चार धर्मों को माना जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई जो पंजाब के लोग हैं, वहाँ एक सिखों का मंदिर है। वो मंदिर का नाम है साहिब सिखो। ये जो है अमृतसर तथा आनंदपुर में साहिब सिखों का तीर्थ स्थल है। यहाँ लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। ये अमृतसर का स्वर्ण मंदिर विश्व भर में अमृतसर में एक स्वर्ण मंदिर है, जिसे लोग सोने का मंदिर कहते हैं। उसको भी देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये विश्व भर में भी प्रसिद्ध है। जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। पंजाब के लोग त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। पंजाब के जो लोग हैं वो त्योहारों को बड़ी धूमधाम से बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं। भांगड़ा यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। भांगड़ा जो है पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भांगड़ा के बारे में तो आप सबको पता होगा, भांगड़ा कैसे बजता है। तो जो भांगड़ा है वो पंजाब का लोक नृत्य है। स्त्रियाँ, वहाँ की स्त्रियाँ गिद्दा नाच में भाग लेती हैं। एक नाच है, डांस है, जिसका नाम है गिद्दा। उसमें वहाँ की स्त्रियाँ जो है वो भाग लेती हैं। यहाँ का प्रमुख भाषा जो है पंजाबी है। पंजाब के लोगों का जो प्रमुख भाषा है वो क्या है, पंजाबी है। पंजाब की राजधानी कहाँ है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। अब देखते हैं हरियाणा। अब तक उन लोगों ने पंजाब के बारे में देखा, अब देखते हैं हरियाणा। हरियाणा भी उत्तरी क्षेत्र में ही आता है। हरियाणा जो है वो उत्तरी क्षेत्र में आता है। यहाँ के 90% निवासी जो है खेती करते हैं। हरियाणा के 90% लोग जो है खेती करते हैं। ये लोग भी बड़ी परिश्रमी होते हैं। जैसे पंजाब के लोग भी परिश्रमी होते हैं, वैसे हरियाणा के लोग भी बहुत परिश्रमी होते हैं। पशुपालन इनका प्रमुख व्यवसाय है। हरियाणा के लोगों का प्रमुख व्यवसाय जो है वो पशुपालन है। पशु को पालते हैं, वही उनका प्रमुख व्यवसाय है। यहाँ की प्रमुख फसलें जो हैं धान, बाजरा, ज्वार, चना है। वहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं धान, बाजरा, ज्वार, चना, ये वहाँ की हरियाणा की प्रमुख फसलें हैं। इनका अन्य प्रदेश में भी निर्यात किया जाता है। दूसरे जगह भी यहाँ से धान, बाजरा, ज्वार, चना दूसरे देश में भी निर्यात ले जाया जाता है। गन्ना, कपास तथा तिलहन भी पर्याप्त मात्रा में होती है। गन्ना, कपास भी पर्याप्त मात्रा में होती है। हिंदी जो है हरियाणा की मुख्य भाषा है। यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। अगर
आप लोगों से पूछा जाए पंजाब की राजधानी कहाँ है, तो आप लोग बताएंगे चंडीगढ़। और फिर पूछा जाए हरियाणा की राजधानी कहाँ है, तो आप बताएंगे चंडीगढ़। दोनों जगह का राजधानी एक ही है। अब देखते हैं चंडीगढ़ के बारे में। ये चंडीगढ़ भी उत्तरी क्षेत्र का ही उत्तरी क्षेत्र में आता है। यह एक नए तरीके और नियोजित ढंग से बसाया हुआ नगर है। यह चंडीगढ़ जो है एक नए तरीके से और नियोजित सही ढंग से बसाया हुआ नगर है। अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से बचाया, नए तरीके से और अच्छे ढंग से बसाया हुआ नगर है। यहाँ के बड़े उद्योग में भी उन्हीं भाग होजरी सुइया, बिजली के मोटर, औषधियाँ, साइकिल, इस्पात और फर्नीचर प्रमुख हैं। जो चंडीगढ़ के उद्योग धंधे हैं वो ऊनी धागा, होजरी की सुइयां, बिजली के मोटर, औषधियाँ यानी दवाइयाँ, साइकिल, इस्पात और फर्नीचर प्रमुख हैं। फर्नीचर वहाँ के प्रमुख हैं। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग भी बहुत ही संख्या में है। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग भी बहुत बड़ी संख्या में है चंडीगढ़ में। अब देखते हैं दिल्ली। दिल्ली कैसा सिटी है? दिल्ली एक बहुत बड़ा सिटी है। दिल्ली एक अच्छा शहर है। दिल्ली में बहुत घूमने लायक जगह है। भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। ये भी उत्तरी क्षेत्र में आता है। दिल्ली की राजधानी जो है, दिल्ली भारत की राजधानी। आपसे पूछा जाए भारत की राजधानी कहाँ है, तो आप लोग बताएंगे भारत की राजधानी दिल्ली है। यहाँ लगभग सभी प्रदेश के लोग रहते हैं। दिल्ली में सभी प्रदेश के लोग रहते हैं। यहाँ सभी देशों के होने के कारण बहुत से विदेशी भी रहते हैं। दिल्ली में बहुत सारे लोग रहते हैं और दिल्ली में सभी लगभग सभी प्रदेश के लोग रहते हैं। यहाँ सभी देश के लोग रहते हैं। यहाँ बहुत से विदेशी भी रहते हैं। दिल्ली में बहुत से विदेशी भी रहते हैं। पंजाब राज्य की निकटता के कारण यहाँ की भाषा अंग्रेजी, हिंदी तथा पंजाबी है। दिल्ली में तीन भाषा बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी। दिल्ली दो भागों में बांटा गया है, जैसे नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली। दिल्ली को दो भागों में बांटा गया है, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली एक प्राचीन नगर है। पुरानी दिल्ली जो है एक प्राचीन नगर है और इसके साथ हमारे देश का इतिहास जुड़ा हुआ है। जो पुरानी दिल्ली है उसके साथ हमारे देश का इतिहास जुड़ा हुआ है। यह कितनी बार उजड़ और कितनी बार बस चुका है, बहुत बार गुजर चुका है और बहुत बार ये बस चुका है। यहाँ के पुराने किले जो हैं, महल, मीनार, मकबरे, मंदिर, मस्जिद आज भी देखे जा सकते हैं। जो पुरानी दिल्ली में किले, महल, मीनार, मकबरे, मंदिर, मस्जिद आज भी देखे जा सकते हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, केंद्रीय सचिवालय, संसद भवन है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, केंद्रीय सचिवालय, संसद भवन है। यहाँ राजघाट, शांति वन, चिड़ियाघर, जंतर मंतर, बिरला मंदिर आदि देखने योग्य हैं। राजघाट जहाँ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का समाधि दिया गया है, उसे हम लोग राजघाट कहते हैं। महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का समाधि दिया गया है, उसे हम राजघाट कहते हैं। और शांति वन, चिड़ियाघर, जंतर मंतर, बिरला मंदिर आदि देखने योग्य है। यहाँ भी लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जहाँ हम लोग रहते हैं, ये भी उत्तरी क्षेत्र का एक हिस्सा है। जहाँ हम लोग रहते हैं ये भी उत्तरी क्षेत्र का एक हिस्सा है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ये उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जनसंख्या वाला राज्य है। लखनऊ राज्य की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। संपूर्ण राज्य नदियाँ
की लाइव उपजाऊ मिट्टी से बना है। संपूर्ण राज्य नदियों की लाई हुई उपज मिट्टी से बना है। यहाँ की मिट्टी क्या है? उपजाऊ है, इसलिए यह कृषि प्रधान देश है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, इसलिए कृषि प्रधान देश माना जाता है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ जो हैं गंगा, यमुना, गोमती और घाघरा। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं गंगा, यमुना, गोमती और घाघरा। यहाँ का जो फसल है वो यहाँ जो फसल की उपज होती है, जो फसल उगाया जाता है वो है गेहूँ, तिलहन, गन्ना आदि खूब मात्रा में होता है। गेहूँ, गन्ना, तिलहन जो है ये ज्यादा मात्रा में होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के निर्माण के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद जो है वो कांच की चूड़ियों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। जो कांच की चूड़ियाँ हमारे यहाँ मिलती है वो कहाँ से आती है? फिरोजाबाद से ही आती है। फिरोजाबाद जो है वो कांच की चूड़ियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। वहाँ कांच की चूड़ियों का उद्योग है, वहाँ कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद में बनाई जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रत्येक 12 वर्ष बाद इलाहाबाद में संगम पर मार्च महीने में कुंभ का मेला लगता है। भारत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रत्येक 12 वर्ष के बाद इलाहाबाद में संगम पर मार्च के महीने में कुंभ का एक मेला लगता है। हर 12 साल पे ये मेला लगता है इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी पे, जिसे लोग बहुत दूर दूर से नहाने के लिए जाते हैं। मार्च के महीने में लगता है 12 वर्ष बाद बहुत दूर दूर से लोग नहाने के लिए जाते हैं और मेला देखने के लिए लोग जाते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा उत्तरी क्षेत्र का जनजीवन, उत्तरी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और कहाँ कहाँ का जनजीवन कैसा है, कहाँ का उपज क्या है, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया। आप फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।